हाँ तो ठीक है, आपने वीडियो शुरू कर दिया है, ये बात बिल्कुल अच्छा है, लेकिन आपको बोलना है कि हरे कृष्णा, दो तीन काम आपको डेली ही करना है। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना है, और इसके बाद इसके साथ में ही जैसे ही वीडियो शुरू हो तो इसको बंद नहीं कर देना है, पूरा वीडियो देखना है ना। पूरा वीडियो देखने के बाद, वीडियो ख़त्म होते ही मोबाइल को एक साइड रखना है, 5 मिनट इसको रिवाइंड करना है। ये सभी के लिए है। अरे मैं तो तैयारी नहीं करता, मैं तो ऐसे ही देख लेता हूँ आपका वीडियो, क्योंकि व्यू आ जाए। हाँ तो फिर भी आपको भी देखना है तो देखना ही है। कौन सा मतलब, आपको गंगा का नाम याद नहीं रहेगा या पटना का लोकेशन याद नहीं रहेगा तो जीवन में कुछ उखाड़ लेंगे, है ना। ठीक है, तो याद होना चाहिए। ओके, दूसरी बात, वीडियो को पूरा देखना ही देखना है। जैसे ही वीडियो शुरू हो तो 1 मिनट देख करके काट के रख नहीं देना है। दूसरी बात, लाइक कर देना है, नीचे लाइक का बटन होता है ना, अच्छा ही है, मैं बनाया है ना, जलवा है हमारा, तो लाइक कर देना है, शेयर भी कर देना है साथ में, है ना, शेयर भी कर देना है, स्टेटस में लगा दो ना, स्टेटस में लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं वीडियो को चलाना, है ना। ये रहा अपना कैमरा, सामने सामने एकदम, है ना, और ये मैं इसको बंद करता हूँ, इरेज करता हूँ, मतलब इरेज करता हूँ, बंद क्या करूँ, इरेज करता हूँ इसको, इससे हटा देता हूँ, वापस इधर आ जाओ भैया। नाउ हरिद्वार मालूम? हाँ हरिद्वार तो पता है, कहाँ है ये गंगा पे है, दिख रही है ये गंगा, ये गंगा नदी दिख रहा है, हाँ गंगा तो दिख रही है, कन्नौज भी है, हाँ कन्नौज भी गंगा पे है, अरे वाह, कन्नौज भी गंगा पे है, हरिद्वार भी गंगा पे है, ये राम गंगा क्या है, ये नदी है, ये आकर के कन्नौज के पास मिल रही है। अच्छा तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है ये, गंगा है और इसकी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है राम गंगा, है ना, राम गंगा नाम है, जय श्री राम, है ना, राम गंगा, और ये आकर कहाँ मिल रही है, कन्नौज के पास। ये कन्नौज क्यों याद रखना है, क्योंकि याद रख लो, अच्छा पटना क्यों याद रखना है, अरे सर वैसा ही, कन्नौज भी याद रखना है ना, कन्नौज भी कोई चीज़ है, इतिहास में फेमस है, तो कन्नौज याद रखना है। ओके, तो हम कन्नौज तो याद रख लेंगे कि जहाँ राम गंगा आकर के और गंगा में मिलती है, यही है ना कि राम गंगा आकर के गंगा में मिलती है। अच्छा नोट्स बना लेना, ये पूरा वीडियो में नोट्स के पर्पज़ से ही दे रहा हूँ, है ना, ताकि ये जो लिखा हुआ है इतने फ्रेश अक्षरों में ये नोट्स में काम आ जाए। ओके, तो हरिद्वार कहाँ है, तो गंगा पे है, ये है हरिद्वार, ओके, और ये है कन्नौज जहाँ आकर के राम गंगा मिलती है। गंगा और आगे जाते रहती है, जाते रहती है, अलाहाबाद में आकर के, जिसको प्रयागराज बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रयागराज, यहाँ पे आकर के क्या मिल जाती है इसमें, यमुना, क्या मिलती है, यमुना मिलती है। तो आपको धौली गंगा याद होगा कि अलकनंदा में आकर के मिल रही थी, फिर उसके बाद नंदाकिनी याद होगा जो आकर के अलकनंदा में मिल रही थी, फिर उसके बाद पिंडार याद होगा अलकनंदा में आकर के मिल रही थी, उसके बाद मंदाकिनी आकर के अलकनंदा में मिल रही थी, उसके बाद भागीरथी आकर के अलकनंदा में मिल रही थी, और यहाँ से इसका नाम गंगा हो जाता है, फिर यमुना आकर के गंगा में मिल रही है ना, ये याद होगा पिछले वीडियो से। ठीक है, नोट्स तैयार होने चाहिए, बाकी कुछ हो चाहे ना हो, नोट्स होने चाहिए, है ना, जब मन करे उठा के देख लिए, है ना। नाउ एक सेकेंड हमको, तो ये है गंगा और ये है हरिद्वार, हमने देख लिया, कन्नौज देख लिया, रामगंगा देख लिया, ठीक है, अब नीचे आते हैं गंगा सदी में, है ना। अच्छा लखनऊ बोले गंगा पे आती है तो नहीं, लखनऊ गोमती पे आती है, कन्नौज गंगा पे आती है, अच्छा लखनऊ गोमती पे आती है, कन्नौज गंगा पे आती है, और ये प्रयागराज, प्रयागराज गंगा और यमुना के मिश्र जहाँ मिलन होता है वहाँ पे आती है। अच्छा ओके ओके, नाउ अब आते हैं कि गंगा को यमुना से मिलन करवाते हैं, लेकिन पहले ये देखते हैं कि कहाँ से यमुना शुरू हो रहा है। तो यमुना जहाँ से शुरू हो रहा है उसको तजेवल बोलते हैं, ठीक है, जैसे ही प्लेन में आता है एक स्थान आता है जिसका नाम है तजेवल, फिर आता है न्यू दिल्ली, फिर गाज़ियाबाद, है ना, फिर आगरा, आगरा से इसके पहले मथुरा, ठीक है, फिर आगरा, फिर कानपुर, गाज़ियाबाद से भी पहले मथुरा, शायद गाज़ियाबाद के पास में ही है ना, ये गाज़ियाबाद है तो यहाँ, गाज़ियाबाद है तो यहाँ मथुरा है, मतलब दोनों साथ में ही है, ये है आगरा कानपुर, ठीक है, अच्छा कानपुर
इस पे आ रही है, क्या बोलते हैं, गंगा पे, है ना, फिर अलाहाबाद, ठीक है। इसको वापस इरेज करते हैं और वापस से देखते हैं क्या है, कि सबसे पहले है तंजावुर, फिर न्यू दिल्ली, फिर मथुरा, गाजियाबाद, आगरा, ठीक है, फिर अलाहाबाद। अच्छा, ये सब जितना है ये आगरा तक आकर के उसके बाद ही चंबल जुड़ता है। तो कोई बोले कि चंबल आगरा से पहले जुड़ता है, नहीं, बनास भी चंबल में जुड़ जाता है। और चंबल शुरू कहाँ से होता है, तो ये देखो, इंदौर के बगल से जाते हुए जनापाव हिल है, हिल है जनापाव, जनापाव क्या है, हिल है, क्या है, हिल है, वहाँ से चंबल शुरू होता है। तो लिख लो कि जनापाव हिल से चंबल शुरू होता है और आकर के यमुना में मिल जाता है। ऐसे लिखो जनापाव, यहाँ से एक लाइन खींचो, यहाँ यमुना का नदी बनाओ, यहाँ पे लिखो यमुना, इसमें आकर के मिल जाता है। इधर से एक लाइन खींचो, इस पर लिखो बेनास, इधर से एक लाइन खींचो, इस पर लिखो बेतवा, यहाँ पे एक लाइन खींचो, इसमें लिखो सिंध, यहाँ पे लिखो केन, यहाँ पे लिखो टोन, ठीक है, टोन यहाँ पे भी आकर के मिलता है कि यमुना में। यहाँ पर टोन इतना पानी कैरी करता है कि जितना यमुना खुद नहीं करता है, मतलब ये कि टोन में यमुना से ज़्यादा पानी होता है एक समय में। आकर के ये इलाहाबाद में मिल जाता है, फिर इलाहाबाद में मिलने के बाद तमसा, तमसा रिवर इससे ज्वाइन करता है गंगा से, ठीक है। तो तमसा दिख रहा होगा, हाँ तमसा तो दिख रहा है, और बेतवा दिख रहा होगा, बेतवा भोपाल के आसपास से शुरू हो रहा है, ओके। और जनापाव से क्या शुरू हो रहा है, तो चंबल, काली सिंध है, पार्वती है, सिप्रा है, ये सब आकर के चंबल में मिल जाती हैं। अरावली का रेंज है, और अरावली के रेंज से बनास शुरू होता है ना, और इसी अरावली के रेंज में कहीं जयपुर इस पूर्व साइड में पड़ता है, और ये अरावली का रेंज कहाँ ख़त्म होता है, तो दिल्ली के आसपास, दिल्ली इसी पे है ना, ओके। हाँ तो ये तो बात ठीक है। अब हम आ गए हैं अलाहाबाद, जहाँ पे तमसा रिवर अलाहाबाद के बाद ज्वाइन कर रही है किसको, तो गंगा को, गंगा को जुड़ रही है, गंगा से तमसा जुड़ रही है, तो ये है तमसा, किसे जुड़ रही है, तो गंगा से। अच्छा, अब इसको मिटाते हैं, वापस से देखते हैं। तो ये है रामगंगा, रामगंगा आकर के गंगा में जुड़ रही है, जहाँ जुड़ रही है उसका नाम है कन्नौज, ओके। तो ये है रामगंगा, रामगंगा किससे जुड़ रही है, गंगा से जुड़ रही है, तो इसका नाम क्या है, कन्नौज, ओके। और ये लखनऊ किस पे है, तो गोमती पे है, गोमती किससे जुड़ती है, तो गंगा से। क्या तमसा से पहले जुड़ती है, नहीं, तमसा के बाद जुड़ती है गोमती, ओके। और उसके बाद क्या जुड़ता है, तो उसके बाद है घाघरा, ओके, घाघरा जुड़ता है, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद कोसी, ठीक है। तो एक शारदा नाम की लड़की थी, उसे घाघरा खरीदना था, गंडक में मेला लगा हुआ था, पर वो जाकर चली गई कहाँ, कोसी में। अच्छा, तो उसे मेला में से घाघरा खरीदना था, क्या दुकान नहीं है क्या, दुकान है बाबा, पर उसको मेला जाना था, तो वही से खरीदेगा ना बाबा, अरे ओके, हाँ ये भी ठीक है, मेला जा ही रहे तो उधर से ही खरीदते हुए आएंगे, ओके। अरे ये घाघरा खरीदना था क्यों, अरे राम गंगा के पास जाना था ना, पूजा हो रही है ना, ओके, अयोध्या में पूजा हो रहा है, ओके। नाउ कोसी, कोसी कोसी हो गया, गोमती हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, गंडक और बूढ़ी गंडक यहीं पे दोनों एक साथ में है ना। कोसी भी एक नहीं, साथ साथ कोसी से शुरू होता है, फिर अरुण, तमर और सन कोसी में आकर के ख़त्म होता है, और फिर एकलौता कोसी बन जाता है, ओके। तो कोसी ऐसा है क्या, हाँ बिल्कुल ऐसा है। नाउ बनारसी भी गंगा पे आता है क्या, हाँ बनारस भी गंगा पे ही आता है, ओके। तो बनारस भी गंगा पे आता है, नाउ इरेज करते हैं। अब देखते हैं सोन, सोन अमरकंटक से शुरू हुआ था, मैंने पहले बताया, नहीं बताया तो फिर बता दूंगा किसी, अब किसी के मतलब ये अगले 2-3 वीडियो में आ जाएगा। पटना से पहले जाकर के मिल जाता है, दानापुर के आसपास वाला लोकेशन में, ठीक है, दानापुर याद रखना, दानापुर के पहले जाकर के मिल जाता है, ठीक है। दानापुर क्या है, अरे दाना नहीं समझ में आता है क्या, अच्छा हाँ दाना समझ में तो आता है, हाँ तो दानापुर से पहले जाकर के सोन किसे मिल जाता है, गंगा से मिल जाता है, ओके। ये है राजमहल हिल, और यहाँ पे फरक्का डैम, जैसे ही मतलब बंगाल को पार करने वाला होता है तो फरक्का डैम आता है, और हरे कृष्णा, नींद इतना क्यों आ रहा है। तो ये है फरक्का डैम, और फरक्का डैम से ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक का नाम है पद्मा और एक का नाम है हुगली, और ये है हुगली,
इसको ऐसे मुझे हाईलाइट करने वाला देता ना, मैं इसको बढ़िया से हाईलाइट कर, ये ठीक रहेगा थोड़ा और कम हो जाए। हाँ ये देखो, ये है जमुना, ये है ब्रह्मपुत्रा के लिए, ये है पद्मा, ये है गंगा के लिए, और ये है हुगली, ये है गंगा के लिए। तो गंगा दो भागों बढ़ जाता है, एक तो पद्मा में, एक तो हुगली में। ठीक है, हुगली में आकर के जुड़ता है दामोदर। सर ये तो नहीं जुड़ रहा है, जुड़ रहा है यहाँ पे देखो ना। अच्छा हाँ जुड़ रही है थोड़ा सा, हाँ तो थोड़ा सा ही जुड़ रही है। नाव सोन देख लिया हमने, पटना देख लिया, कोसी देख लिया, गंडक देख लिया, घाघरा देख लिया, लखनऊ, गंगा, कन्नौज, एक एक इरेज करके देखते हैं कुछ छूट तो नहीं रहा है ना। हरिद्वार देख लिया, तंजावुर देख लिया, न्यू दिल्ली, गाजियाबाद, जयपुर, आगरा, यमुना, कानपुर, बेतवा, अलाहाबाद, तमसा, भोपाल, इंदौर, चंबल, बनास, अरावली। कुछ छूटा है क्या? जाना पाव हिल कुछ भी नहीं छूटा है, मुझे पता था कुछ नहीं छूटेगा। एक काठमांडू छूट गया ना, ये है काठमांडू, और काठमांडू के पश्चिम से आती है गंडक, ध्यान रखो, काठमांडू के पश्चिम से आती है गंडक और पूरब से आती है कोसी। अरे हाँ ये तो सच में पूरब से ही आ रही है कोसी और पश्चिम से आ रही है गंडक। हाँ तो सच में मैं मतलब मजाक कर रहा हूँ क्या? ओके तो ये है काठमांडू। नेपाल ख़त्म हो गया, अब इसमें और 10 नदियाँ हैं वो हम देख नहीं रहे, मतलब मैं PDF में डाल दूंगा। ठीक है ना, PDF में कैसे डाल दोगे? बिल्कुल ला दो। अब ये जो नदियाँ हैं जैसे गोमती, तो गोमती में एक और नदी आकर के मिल रही है जिसका नाम है साई, है ना, ये रामगंगा दिख रही है ना, उसके बाद लखनऊ। हाँ तो गोमती में एक और नदी आकर के मिल रही है जिसका नाम है साई। अच्छा और ये घाघरा है ना, ये तो घाघरा है। हाँ तो घाघरा में तीन चार और नदियाँ आकर के मिल रही है, जैसे सरयू आकर के घाघरा मिलती, पहले इसका नाम है काली, ठीक है, और ये मिलान ग्लेशियर से आती है। कौन से ग्लेशियर से निकलती है? मिलान के ग्लेशियर से निकल के आती है काली के नाम से, फिर बदलती है शारदा में, फिर बदलती है सरयू में, और फिर आकर के मिल जाती है घाघरा में। ओके मतलब पहले रहती है काली, शारदा, सरयू एंड देन घाघरा बन जाती है। ओके गोरखपुर जो है इसी पे लोकेटेड है, गोरखपुर का नाम सुना होगा आपने। हाँ कौन नहीं जानता, वो योगी आदित्यनाथ। अरे वाह बिल्कुल सही, योगी आदित्यनाथ, तो वही वाला जो घाघरा वाला नदी। इसमें पहले जो घाघरा शुरू होती है वो सेती, फिर टीला, भेरी, पहले करनाली के नाम से आती है, करनाली घाघरा बन जाती है, करनाली में आकर के जुड़ती है टीला, सेती, भेरी, और ये घाघरा के नाम से आ जाती है, फिर इधर आकर के एक और नदी जुड़ती है जिसका नाम है राप्ती। तो ये क्लिक करके सारे को लिख देना है कि टीला कहाँ है, सेती कहाँ है, ये है टीला, ये है सेती, ये है भेरी, और ये घाघरा है टोटल ओवरऑल, और आगे आकर के मिलती है इसमें भेरी, करनाली, आगे आकर घाघरा बन जाती है और राप्ती आकर मिल जाती है। फिर एक तरफ से आती है मिलान ग्लेशियर से काली निकल करके, काली शारदा में बदलती है, शारदा सरयू में, और फिर नाम बदलते जाते हैं, नदी एक ही है ना। ओके तो नदी एक ही है, नाम बदल रहा है, हाँ नदी एक ही है, नाम बदल रहा है। नाव सोन आकर के मिल रही है, ये सोन नदी है, और सोन भी दो फॉर्म से आती है, एक रिहंद से आती है, दूसरा सोन नॉर्थ कोयल के रूप में आती है, और एक है पलामू से आती है, पुनपुन, पलामू के आसपास वाले रीजन से आती है पुनपुन, और यह आकर के पटना के बाद मिलती है पुनपुन, पटना से पहले मिलती है सोन। अब सोन पार में आकर के मिलती है गंडक, तो ये सोन पार है, सोनपुर है या सोन पार है पता नहीं, पर जो भी है पर है तो यहीं पे। अब यह है मिथिला का मैदान, मिथिले का मैदान किसके किसके बीच में? तो गंडक के बीच में और कोसी के बीच में या बूढ़ी गंडक के बीच में। ओके तो मतलब गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच में मिथिला का मैदान है। हाँ तो गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच में क्या है? मिथिला का मैदान है। ये ऐसे मोबाइल ऐसे रहे तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके समझ में तो आ रहा है जी, और बताइए और क्या है, और सब ठीक है? इधर आ जाओ, घाघरा कहाँ से आ रही है? तो मापचा चुंगो ग्लेशियर से आ रही है, जैसे घाघरा मापचो चुंगो ग्लेशियर से आ रही है वैसे ही मिलान ग्लेशियर से आ रही है काली। ये है मिलान ग्लेशियर और यहाँ से निकल के आ रही है काली नदी, है ना। ओके मास्टर आपको ब्लू कुछ ज़्यादा पसंद पड़ता है क्या? इतना सारा ब्लू कलर क्यों इस्तेमाल करते हैं? अरे क्या करें, दुख है दुख। ओके दुख नहीं है, अच्छा बात है। तो ये मिथिला का मैदान दिख गया, गंडक और बूढ़ी गंडक में। अब यहाँ पे गंगा
गंडक का भी देख लो, तीन चार ट्रिब्यूटरी। एक तो है काली गंडक, ओके, तो गंडक में एक काली गंडक है, त्रिशूली है, ठीक है, और एक है गंडकी। काली गंडक, गंडकी, त्रिशूली, मतलब तीन एक नदियाँ एक साथ आ रही है, फिर बूढ़ी गंडक आ जाती है इधर, ओके। उसके बाद आता है कोसी। कोसी का नाम तो नहीं ही सुने होगे, बहुत मतलब नया नया नदी है, कैसे सुनोगे, है ना, मजाक कर रहा हूँ। ये है कोसी। कोसी में आती है सन कोसी, अरुण कोसी, तमर कोसी। तमर कोसी पूरब में है, अरुण कोसी मध्य में है, सन कोसी पश्चिम में है। ये तीनों नदियाँ सप्त कोसी से शुरू होकर के आती हैं। सप्त कोसी इधर रहता है, सात कोसी हैं उसमें, अरुण, तमर और सन हैं, दो दो नदियाँ एक दो दो में जुड़ जाती हैं और ये बन जाती है कोसी। और महानंदा, ये ना तो महानदी है और ये ना तो मंदाकिनी है, ये है महानंदा। महानंदा नदी जो है ये कोसी के पूरब में है और कोसी और महानंदा नदी के बीच में एक मैदान बनता है, उसका नाम है बरिंद का मैदान। ये बरिंद का मैदान जो है, ये है बरिंद का मैदान, ठीक है। नाउ महानंदा में एक और नदी आकर के जुड़ती है जिसका नाम है मेछी। अब छी है पर सी लिखते हैं, मेछी, ठीक है। फिर ये गंगा जो है आकर के यहाँ फरक्का डैम पे मिल जाता है। नाउ पुनपुन जहाँ पे मिलती है उसका नाम है फतुआ, और ये फतुआ भी पटना में ही आता है, ठीक है स्वीटहार्ट। तो ये है फतुआ। नाउ जहाँ फरक्का डैम मिलता है, यह है फरक्का बांध, फरक्का डैम। यहाँ से दो नदियाँ जो गंगा है वो दो भागों में डिवाइड जाती है, एक का नाम है पद्मा, दूसरे का नाम है हुगली। एक का नाम है पद्मा, दूसरे का नाम है हुगली। अब इसमें दामोदर नदी आकर के मिलती है जो कि सौरव बंगाल से बोला जाता है। छोटा नागौर प्लेटू से आती है, दो भागों में प्लेटू को बांटती है, इसमें आकर के मिलती है। और यहाँ पे हार्बर है जिसका नाम है दमंत। तो हार्बर मतलब जिसपे नाव वगैरह लगाते हैं ना, उसको हार्बर बोलते हैं, तो उससे दमन से आकर गई है। तो ये हो गया पूरा गंगा, ठीक है। और ये मेरा नाम लिखा हुआ है, इससे कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, ये कहीं भी नहीं है, इसमें लोकेशन पे तो नहीं पड़ेगा बाकी। हाँ एक ये नदी रह गया कि यमुना का एक नदी है टोन, हिंडन। अब ये टोन और हिंडन, टोन इतना पानी लाता है जितना यमुना खोदना लेकर के आता है ऊपर से, ओके। और ये शारदा क्या है, ये शारदा है, एक वरुण है, एक गिरी है, ये तीन नदियाँ हैं जो इसके बाएं से जुड़ रही हैं, मतलब हिंडन, शारदा, वरुण, वरुण और गिरी तीनों। क्यों वरुण, हाँ ठीक है ठीक है, आ जाओ इधर। तो ये नदियाँ हैं जो इधर से आकर के जुड़ रही हैं। चंबल में जो नदियाँ जुड़ने वाली हैं उसका नाम है सिपरा। याद नहीं हो रहा मास्टर, हाँ तो याद है, ऑफलाइन क्लास में होता है, ऑनलाइन में ना होता है, ऑनलाइन में ऐसे ही चलता है। अरे आप तो बोलते थे ऑनलाइन में भी याद हो जाएगा, तो यूट्यूब पे थोड़ी हो, सिंध बेतवा के यूट्यूब पे याद करवाने लगूँ ना तो 2 मिनट का क्लास दे करके भाग, क्योंकि यूट्यूब पे कैसे आते हैं मालूम, वो चपरासी किस्म के जो लोग होते हैं ना, वो उन्हें वो भी बनने में मुश्किल है, चपरासी भी मतलब मिल जाए वो भी काफ़ी। और यह है तमसा, ठीक है। मुरादाबाद जो है प्रयागराज और तमसा के बीच में आता है मुरादाबाद, और ये प्रयागराज ही इलाहाबाद जंक्शन है ना, ओके। तो हमने लगभग सारा देख लिया है, इसमें भी देख लिया, इसमें देख लिया। तो ये है गंगा और ये है गंगा का माउथ, यहाँ पर गंगा बाहर हो जाती है, और इतना ही गंगा के लिए काफ़ी है। हमने कितना मिनट लिया है गंगा में, तो मात्र 18 मिनट। तो बोलो थैंक यू सो मच, और ये भी करवा ही देता हूँ इसी में, गंगे में है ना, चंबल वाला के छोड़ दो, नहीं चंबल अलग से करवाऊंगा ना, उसका अलग से 5-7 व्यू बटरूंगा, व्यू ही व्यू इकट्ठा करूंगा यूट्यूब पे, और उसका क्या करोगे मास्टर, कुछ करने लायक तो है नहीं वो। चलो कोई बात नहीं, वो तो यहाँ के लिए हरे कृष्ण। अब ये चंबल वाला जो है, ये बनास, काली सिंध, चंबल, ये पार्वती सिंध, बेतवा सिंध, यमुना, ये सब देखेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, और लाइक सब्सक्राइब, ये ऐसे रेड वाले से लिखूंगा ना, थोड़ा अच्छा लगेगा लाइक, हाँ सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें, है ना, अच्छा लगता है मास्टर, मजाक कर रहा हूँ पर कर दिया करें, है ना।
इसको यहीं रोकते हैं, 20 मिनट हो गया, थैंक यू।